फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्लॉग्स। हाजिर हो गया जी एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। जी हाँ, तो दिन का आगाज हो चुका है जी। धुंध के डेरे हैं, आप देख सकते हैं जी। ये कैमरा मैन आपको दिखाएं तो धुंध अभी जी बना कर तकरीबन दोपहर का 2 बज रहे हैं। धुंध अभी तक नहीं उतरी। परदेसी भाई को मैंने घर से साथ लिया जी। ये देख सकते हैं, परदेसी भाई को घर से साथ लिया। पहले तो ये बिस्तरे में थे, उठ नहीं दे रहे। तरले डाले हैं जी, रजाई उठाई है। फिर इनको कहा जी बाहर आए, खैर है, धुंध सर्दी है, सबके लिए आप हमारे साथ चलेंगी। तो निकले हैं, देखते हैं व्लॉग बनाते हैं क्या सीन है। तो चलते जाते हैं जी। ये देख सकते हैं आप गाँव का माहौल, परिंदे चहचहा रहे हैं, सूरज का नाम निशान नहीं है। ऊपर कैमरा मैन दिखाएं तो आसमान पे धुंध ही धुंध है, बादल वगैरह छाए हुए हैं, तो देख सकते हैं आप। और परदेसी भाई को मैं आप बता दूँ कि परदेसी भाई इस सोच में है कि शादी कब होगी मेरी जी। शादी इनकी होने जा रही है जी, परदेसी भाई की। जनवरी के आखिर में आपको दिखाएंगे जी शादी की रस्म है परदेसी भाई को। फ्रेंड्स, हम गप शप लगाते जी परदेसी भाई को साथ लेके पहुंच चुके हैं। पूरे पेंडू जिसे कहते हैं माहौल क्रिएट किया हुआ हमने। पीछे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, पेंडू माहौल में हम परदेसी भाई से कुछ इंटरव्यू लेंगे। परदेसी भाई जी बेसिकली ये इस टाइम सऊदी अरेबिया में फुल सेटल हैं जी। आउट ऑफ दी कंट्री जाके इन्होंने अपने आप को सेटल किया हुआ है। परदेसी भाई से पूछते हैं जी कि कितना मुश्किल होता है जी अपना मुल्क छोड़ के, अपनी फैमिली वगैरह को छोड़ के आउट ऑफ दी कंट्री जाके अपने आप को सेटल करना और वहाँ काम वगैरह करना। जी परदेसी भाई बताइए हम कि आप कितनी देर हो गया, पहले तो ये बताएं कितनी देर हो गया जी सऊदी अरब में आपको। मुझे 9 साल हो गए सऊदी अरब में। ये देखिए 9 साल जी हो गया परदेसी भाई को सऊदी अरब में। तो आप किस मतलब ईयर में गए थे सऊदी अरब, किस साल में गए थे आप? 13 में। सन 2013 में जी ये सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब के कौन से शहर में आप जो है इस वक्त सेटल हैं? मदीना में। मदीना मुनव्वरा में। तो जब से आप गए मदीना मुनव्वरा में हैं? पहले रियाज में था, बाद में जद्दा और अब मदीना में जी। तो परदेसी भाई का कहना है कि पहले वो जद्दा में थे, अब वो मदीना मुनव्वरा में हैं। तो इनसे पूछते हैं कि अपनी फैमिली को छोड़ के वहाँ सेटल होना कितना मुश्किल काम है जी, बताइए जनाब। बाहर काम करना बहुत मुश्किल है, यानी कि अपना मुल्क, अपना घर बार, अपनी फैमिली छोड़ना बहुत मुश्किल है। सुबह से शाम तक उधर काम करना पड़ता है, यानी कि बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान को छोड़ना। ये देखिए जी, बता रहे हैं कि वहाँ 24 घंटे हमको काम करना पड़ता है। पाकिस्तान में हम रहते तो हम अपनी फैमिली में खुशबाश रहते हैं, अपने मतलब फैमिली को छोड़ के हम वहाँ जाके 24 घंटे काम करते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। तो परदेसी भाई से जानते हैं कि कहाँ वो काम करते हैं, वो कौन सा काम करते हैं, क्या मतलब उनके जो एरिया है उसमें पाकिस्तानी है, इंडियन है, रहाइश है, जो वहाँ की पीपल लिविंग है वो कौन सी है। तो जी बताइएगा किसी भाई, ये बताएं हमें कि आप जहाँ पहले तो ये बताएं काम कौन सा करते हैं आप उधर? काम हम उधर कंस्ट्रक्शन का करते हैं, बिल्डर लाइन का। बिल्डर लाइन कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो वो एरिया वाइज होता है या कहाँ आउट ऑफ द सिटी जाके कहीं करते हैं? कुछ काम सिटी में होता है, कुछ सिटी से बाहर होता है। कुछ काम सिटी में होता है, जो आपके जो ज़्यादा जो है वो सिटी से बाहर ही होता है। जो आपके साथ लेबर वर्क करती है वो पाकिस्तानी या और भी कंट्री का? पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, इंडिया के, फिलिपाइन के। जी देख सकते हैं जी, परदेसी भाई कहने ऑल ओवर दी वर्ल्ड से हम के साथ जो है ना वो जो है लोग आके शामिल होके जी काम करते हैं। परदेसी भाई जी आपको दर्शन करवा रहे हैं जी। परदेसी भाई सऊदी अरब से आए हुए हैं जी। तो इनसे मजीद पूछते हैं कि आप उतना महीने का तकरीबन आपकी सैलरी कितनी है जी? महीने की 2000 रियाल। 2000 रियाल को अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन कितनी बन जाती है? 1,25,000। 1,25,000 रुपया जी महीने का मंथली इनकम है जी। ये पुराना परदेसी भाई की जी अब आपको बता रहे हैं जी। परदेसी भाई का इंटरव्यू हमने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।